Assalamu alaikum to all my dear student of class 7. I am your English teacher. How are you all? Hope you are fine. Today we read lesson number 2, name the festival of Eid. Are you ready to learn? Good. So you take your English book and open page number 18. Let's start reading the festival of Eid. The festival of Eid, Eid ka tehwar. Hamid, a 4-year old boy, live with his grandmother in a small village. Hamid, ek 4 saal ka bacha, apni dadi ke saath ek chote se gaon mein rehta hai. It is Eid. The whole village is agog with excitement. Preparations to go to the Eidgah are in the swing. ये ईद है, पूरे गांव में जोश व खरोश है. ईदगाह जाने की तैयारी जोरों पर है. द अदर बॉयज हैव देयर फादर टू टेक देम टू द ईदगाह एंड देयर पॉकेट्स बुलेज विद कॉइंस टू बाय वॉट एवर दे वॉन्ट. सब बच्चे अपने वालिद के साथ ईदगाह जा रहे हैं और इनकी जेबें सिक्कों से भरी हुई हैं और वो जो चाहें उससे ख़रीद सकें. बट पुअर हामिद हैज़ नो फादर एंड हैज़ जस्ट 3 पैसास इन हिज पॉकेट. लेकिन बेचारे हामिद के वालिद नहीं हैं और इसके पास सिर्फ 3 पैसा हैं. ही सेट आउट ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लॉथ्स एंड बेयर फूट विद द अदर बॉयज to the Eidgah, which is about 3 miles from the village. वो पुराने कपड़ों और नंगे पाँव में दूसरे बच्चों के साथ ईदगाह जा रहा है. ईदगाह गांव से तकरीबन 3 मील दूर है. Read on to find out how little Hamid expend his 3 paisas at the fair. अब पढ़ते हैं कि पहले के मेले में हामिद ने अपने 3 पैसे किस तरह खर्च किए. रिमेंबर दैट दिस स्टोरी वॉज रिटन सेवरल डिकार्ड्स अगो व्हेन 1 रुपी कुल्ड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स. याद रहे कि ये कहानी सदियों पहले की है, जब 1 पैसे में बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती थीं. At long last, the Eidgah comes into view. आखिरकार ईदगाह नज़र आने लगा. It is surrounding by plum trees and its cemented floor is covered with carpet. ईदगाह के इर्द गिर्द खजूरों के दरख्त थे और इसके पक्के फर्श पर कारपेट कालीन बिछा हुआ था. There are rows upon rows of worshippers stretching well beyond the country yard of the mosque. मस्जिद के सहन में नमाजी कतारों में फैल रहे थे. country yard सहन, surrounding इर्द गिर्द, palm tree खजूरों के दरख्त, worshippers इबादत करने वाले नमाजी, स्ट्रेचिंग फैलना. अलॉन्ग विद अदर्स पीपल फ्रॉम हामिद्स विलेज टेक देयर प्लेस इन द बैक रॉ आफ्टर वॉशिंग देयर हैंड एंड फीट. हामिद के गांव वालों ने भी वजू करके दूसरे लोगों की तरह पीछे की सफ में अपनी जगह बना ली. Wealth and status do not matter here. यहाँ दौलत और मर्तबा कोई हैसियत नहीं रखता. Wealth, दौलत, status, मर्तबा और matter, हैसियत. They all shippers together and it is a beautiful sign to watch hundreds of people praying together. और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था जब तमाम नमाजी एक साथ नमाज पढ़ रहे थे. द प्रेयर इज़ ओवर, नमाज ख़त्म हुई. पीपल मीट एंड इम्प्रेस ईच अदर
एज इट्स कस्टमरी, नमाज रवाज के मुताबिक सब लोग एक दूसरे से गले मिले। देन दे डिसेंट ऑन द स्वीट्स एंड टॉय वेंडर्स, फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों की तरफ बढ़े। लाइक एन आर्मी मूविंग टूवर्ड असॉल्ट, इस तरह बढ़े जैसे फौज दुश्मन पर हमले के लिए बढ़ती है। वेंडर दुकानें, कस्टमरी रवाज के मुताबिक, असॉल्ट हमले के लिए तैयार। इन दिस मैटर टू ग्रो अप विलेज इज नॉट लेस एगर देन द बॉय, और इस मामले में गांव वालों ने बच्चों को को रोका नहीं। लुक हेयर इट इज अ स्विंग, पे वन पैसा एंड एंजॉय राइडिंग अप टू द हेवन एंड देन प्लिमिटिंग डाउन। देखो यहाँ झूले हैं, एक पैसा दो और ऊपर जन्नत तक जाने और नीचे जमीन पर आने की सवारी के मजे लो। एंड हेयर इज ए राउंड अबाउट स्ट्रंग विद वुडन एलिफेंट्स हॉर्सेस एंड कैमल्स, पे वन पैसा एंड हैव 25 राउंड्स ऑफ फन। और यहाँ गोल घूमने वाला झूला है जिसमें रस्सी से लकड़ी का हाथी, घोड़ा और ऊंट बंधे हुए हैं। एक पैसे में 25 मज़े के चक्कर लो। हामिद्स फ्रेंड महमूद, मोहसिन एंड नूरी एंड अदर बॉयज माउंट द हॉर्स एंड कैमल्स। हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन और नूरी और दूसरे लड़के घोड़े और ऊंट पर चढ़ गए। हामिद उन्हें दूर से देखता है। ऑल ही हैज आर 3 पैसास, ही कैन नॉट अफोर्ड टू पे विद द थर्ड ऑफ हिज ट्रेजर फॉर अ फ्यू राउंड ऑफ फन। इसके पास 3 पैसे थे और वो अपने ख़जाने का तीसरा हिस्सा चंद मज़े के चक्करों के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। His friends dismount and run across to the row of toy shop. हामिद के दोस्त झूले से उतरे और खिलौनों की दुकानों की तरफ भागे। महमूद बाय अ सोल्जर इन अ खाकी यूनिफॉर्म एंड रेड टर्बन विद अ रिफल ऑफ हिज शोल्डर रेडी फॉर एक्शन। महमूद ने खाकी वर्दी और काली पगड़ी वाला फौजी एक्शन के लिए तैयार कंधे पर बंदूक के साथ खरीदा। मोहसिन बाय अ स्माइलिंग वाटर कैरियर रेडी टू स्प्रिंकल विद ऑन डस्टी रोड। मोहसिन ने रेतीले रोड पर छिड़काव के लिए तैयार एक हंसता हुआ पानी वाला खरीदा। नूरे ने हासिल किया एक वकील। हाउ इम्प्रेसिव ही लुक, वो कितना देखने में कितना खूबसूरत था, अट्रैक्टिव था। इंटायर इन अ ब्लैक गाउन विद अ गोल्डन वॉच चेन एंड अ फैट लॉ बुक इन हिज हैंड, जो देखने में बहुत ज़्यादा संजीदा, काले गाउन में मलबूज, गोल्डन चेन वाली घड़ी, हाथ में कानून की मोटी सी किताब के साथ था। ऑल दीज टॉयज कॉस्ट 2 पैसा ईच, इन सब तमाम खिलौनों में हर एक की कीमत 2 पैसा थी। टू एक्सपेंसिव फॉर हामिद के लिए ये बहुत
महंगी थी, एक्सपेंसिव महंगी। दे आर मेड ऑफ क्ले, ही टेल हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों से कहा कि ये मिट्टी की बनी हुई हैं। वन फेल एंड दे ब्रेक, ये एक दफ़ा गिरेंगी और टूट जाएंगी। बट हिज आइज लुक एट देम हंग्रीली एंड ही विशेज टू कुड होल्ड देम इन हिज हैंड फॉर जस्ट अ मोमेंट और टू। लेकिन इसकी आँखें इन्हें ललचाई हुई नज़रों से, हंग्रीली ललचाई हुई नज़रों से देख रही थी, और इसकी ख्वाहिश थी, विश ख्वाहिश थी कि वो सिर्फ एक लम्हे के लिए इनको अपने हाथ में पकड़े। लेकिन बट यंग बॉय आर नॉट गिवर, लेकिन छोटे बच्चे देने वाले नहीं होते, पर्टिकुलरली व्हेन दे हैव समथिंग न्यू, खासकर जब उनके पास कुछ नया हो। आफ्टर द टॉयज ही इट इज स्वीट्स, खिलौनों के बाद ये हैं मिठाइयाँ। समवन बॉय सी सम सीड कैंडी, अदर गुलाब जामुन और हलवा, किसी ने तिल की मिठाई ख़रीदी, दूसरों ने गुलाब जामुन या हलवा ख़रीदा। दे स्मैक देयर लिप्स विद रिलिश, उन्होंने मज़े से चटखारे लिए। ओनली हामिद इज लेफ्ट आउट, लेकिन सिर्फ हामिद रह गया। ही लुक हिज हंग्रीली एंड हंग्रीली आईज एट द अदर्स, और हामिद भूखी नज़रों से दूसरों को देखता रहा। आफ्टर द स्वीट्स वेंडर दे आर अ फ्यू हार्डवेयर स्टोर एंड शॉप्स ऑफ रियल एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मिठाइयों की दुकानों के बाद कुछ हार्डवेयर की दुकानें और असली और नकली जेवरात की दुकानें थीं। देयर इज नथिंग टू अट्रैक्ट द बॉयज अटेंशन, लेकिन लड़कों के लिए यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं थी। सो दे गो अहेड, इसलिए वो आगे बढ़ गए। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट हामिद हु स्टॉप टू सी द पाइल ऑफ टंग्स, हामिद के अलावा सब बच्चे आगे बढ़ गए और हामिद जो है वो चिमटों के ढेर को देखने लगा। इट रिक्वायर्ड टू हिम दैट हिज ग्रैनी डज नॉट हैव अ पेयर ऑफ टंग, उसे याद आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। एक्योर्स याद आना, ग्रैनी दादी, उसे पेयर ऑफ टंग चिमटा, उसे याद आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। ईच टाइम शी मेक चपाती द आयरन प्लेट बर्न हर हैंड, हर मरतबा रोटी बनाते हुए तवे से उनके हाथ जलते हैं। इफ़ ही वेयर टू बाय हर अ पेयर ऑफ टंग, अगर वो उनके लिए चिमटा ख़रीद लें, शी वुड बी वेरी वेरी प्लीज्ड, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। शी वुड नेवर बर्न हर फिंगर, और उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। इट वुड बी अ यूज़फुल थिंग टू हैव इन द हाउस, और ये घर के लिए एक कारआमद चीज़ है। वॉट यूज़ आर टॉय, दे आर वेस्ट ऑफ मनी, खिलौनों का क्या फ़ायदा, ये पैसों का ज़िया है। वेस्ट ऑफ मनी, पैसों का ज़ाया होना। यू कैन हैव सम फन विद दैम बट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, देन यू फॉरगेट ऑल अबाउट दैम, आप इन सब से कुछ मज़े ले सकते हैं लेकिन वो भी थोड़े वक्त के लिए, फिर तुम इसके बारे में सब भूल जाओगे।
Hamid asks the shopkeeper, "How much it is? Is this pair of tongue?" Hamid ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 paisa is the reply. उसने जवाब दिया 6 paise का. Hamid's heart sinks. Hamid का दिल डूब गया. अफसोस हुआ उसे कि उसके पास तो 3 ही पैसे हैं. But he said boldly, लेकिन उसने बहादुरी से जवाब दिया 3 paise, take it or leave it. 3 paise लो और इसे छोड़ दो या मुझे दे दो. To his surprise, the shopkeeper gives to him. और वो हैरान रह गया, दुकानदार ने उसे वो चिमटा दे दिया. Hamid carry it on his shoulder as if it were a gun and struck up proudly to show it to his friend. Hamid ने उसे अपने कंधों पर उठाया जैसे वो एक बंदूक हो और अकड़ कर चलते हुए मगरूरियत से अपने दोस्तों को दिखाया. Mohsin loves and says, "Are you crazy? What will you do with the tongue?" Mohsin हंसा और उसने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम चिमटे का क्या करोगे? Hamid flings the tongue on the ground and replied, "Try throwing your water carrier on the ground. Every bone in his body will break." Hamid ने चिमटा ज़मीन पर फेंका और जवाब दिया, अपने पानी वाले को ज़मीन पर फेंकने की कोशिश करो, इसके जिस्म की हड्डी, हर एक हड्डी टूट जाएगी. महमूद सेज, आर दीज टंग सम काइंड ऑफ टॉय? महमूद ने कहा, क्या ये चिमटा किसी किस्म का खिलौना है? व्हाई नॉट, रिटोर्ट हामिद, प्लेस देम अक्रॉस योर शोल्डर एंड इट इज ए गन. वाइल्ड देम इन योर हैंड एंड इट इज लाइक द टंग कैरी बाय द सिंगिंग मेडिकेंट. हामिद क्यों नहीं, हामिद मुड़ा और इसे अपने कंधे पर रखे और ये एक बंदूक है और इसको अपने हाथ में पकड़ें तो ये गली में गाने वाले भिखारी के चिमटे की तरह हैं. दे कैन मेक सम चैलेंजिंग एज ए पेयर ऑफ चैम्बल्स. ये किसी आलाय मौसीकी की झंझनाहट की आवाज़ भी बन सकती है. वन स्मेक एंड दे विल रिड्यूस यू ऑल योर ट्राइज टू डस्ट. एक ठोकर लगेगी और ये सारे तुम्हारे खिलौने रेत में बदल जाएंगे. बट नोन ऑफ देम कैन हार्म माई लॉइन हार्डेड वैरियर. लेकिन इसमें से कोई भी मेरे शेर दिल हथियार को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा. The children now realize that Hamid's tongue undeptibility are fair. The children now realize that Hamid's tongue undeptibly they are far superior to their toys. बच्चे अब मान गए कि इसमें कोई शक नहीं कि हामिद का चिमटा इनके खिलौनों से आला है. Their toys will break, but Hamid's tongue will remain as they are for heirs. इनके खिलौने टूट जाएंगे लेकिन हामिद का चिमटा कई साल तक कायम रहेगा. The boys are now
एंड एग्जिस्ट टू हैंडल द टंग। बच्चे अब चिमटे को उठाने के लिए बेताब थे। इन एक्सचेंज दे ऑफर देयर टॉयज टू हामिद फॉर एग्जामिनेशन। उन्होंने हामिद का इम्तिहान लेने के लिए उसे अपने खिलौनों से बदलने की पेशकश की। व्हाट ब्यूटीफुल टॉय दे आर। आप क्या खूबसूरत खिलौने हैं आपके। आई वॉज ओनली पुलिंग योर लेग। मैं सिर्फ तुम्हारी टांग खींच रहा था, सेज हामिद। हामिद ने कहा, हाउ कैन अ पेयर ऑफ टांग कंपेयर विद सच लाइफ लाइक टॉय। चिमटे का जिंदगी भर के खिलौनों से क्या मवाजना। बट द बॉयज आर नॉट कन्विंस्ड। लेकिन बॉयज लड़के जो थे वो कायल नहीं हुए। इट इज़ 11 o'clock। दोज हु हैड गॉन टू द ईदगाह हैव जस्ट रिटर्न। 11 बजे जो ईदगाह गए थे वो वापस आ गए। द विलेज इज़ वंस अगेन अगोग विद एक्साइटमेंट। गांव में दोबारा जोश व खरोश हो गया। मोहसिन्स यंगर सिस्टर रन टू हिम एंड ग्रप द वाटर कैरियर फ्रॉम हिज हैंड। मोहसिन की छोटी बहन इसके पास दौड़ती हुई आती है और इसके हाथ से वाटर कैरियर पकड़ती है। एज शी जम्प फॉर जॉय द टॉय स्लिप फ्रॉम हर ग्रेप्स। जैसे ही वो खुशी से उछलती है खिलौना इसके ग्रिप से फिसल कर गिरता है। फेल्स एंड ब्रेक इनटू पीसेस और टुकड़ों में टूट जाता है। ब्रदर एंड सिस्टर कम टू ब्लो। बहन और भाई दोनों चीखते हैं। बोथ होलो एंड बोथ गेट स्लैप्ड बाय देयर एंग्री मदर। और दोनों अपनी नाराज़ माँ से थप्पड़ खाते हैं। नूरे फिक्स अ सीट फॉर हिज लॉयर। नूरे अपने वकील की सीट मुकर्रर करता है। सिट्स हिम ऑन इट और उस पर उसे बिठाता है। एंड फेंस हिम विद अ बम्बू लीव्स और उसे बांस की पत्ती से पंखा चलता है। इट इज़ अ गस्ट ऑफ विंड और अ ब्लोथ फ्रॉम द फैन दैट थ्रो द लॉयर टू द ग्राउंड। क्या ये हुआ, हवा का झोंका या पंखे का एक धचका है जिसने वकील को ज़मीन पर फेंक दिया और उसका ये अंजाम है कि महमूद का सिपाही अंजाम हुआ। दैट इज़ द एंड ऑफ हिम और यही उसका अंजाम हुआ कि वो हवा के झोंके से अपनी सीट से नीचे गिर गया। महमूद सोल्जर सर्वाइव बट मैनेज टू ब्रेक अ लेग वाइल गार्डनिंग द विलेज। महमूद का सिपाही जिंदा रहा लेकिन गांव की हिफाजत करते हुए उसकी एक टांग टूट गई। महमूद ब्रेक हिज अदर लेग सो दैट द पुअर मैन कैन एट लीस्ट सिट एंड डू हिज ड्यूटी इन कम्फर्ट। महमूद ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी। अब इस बेचारे ने आखिरकार बैठकर ही आसानी से अपनी ड्यूटी वो कर सकता था। नाउ लेट्स हियर व्हाट हैपेंड टू आवर फ्रेंड हामिद। अब सुनते हैं हमारे दोस्त हामिद के साथ क्या हुआ। एज सून एज शी हियर हिज वॉइस ग्रैनी अमीना रन्स आउट ऑफ द हाउस। दादी अमीना घर से बाहर आई जैसे ही उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी। पिक हिम अप एंड किसेस हिम उसे उठाया और फिर उसे प्यार किया। सडनली शी नोटिस द टंग ऑफ हिज हैंड। अचानक उन्होंने इसके हाथ में चिमटा देखा। वेयर डिड यू फाइंड दिस टंग्स। ये तुम्हें कहाँ से मिला। आई बॉट देम मैंने ख़रीदा है। दादी ने उससे पूछा ये चिमटा तुम्हें कहाँ से मिला। हामिद ने जवाब दिया ये मैंने ख़रीदा है। हाउ मच डिड यू पे फॉर देम
उन्होंने उनसे दादी ने पूछा इसके लिए तुमने कितनी कितने दिए यानी कि कितने पैसे दिए। 3 पैसा हामिद ने जवाब दिया 3 पैसे। ग्रैनी अमीना इज एंग्री व्हाट अ पेरिकुलर चाइल्ड। दादी अमीना नाराज़ हुई क्या अजीब बच्चा है। ही रिमेन्ड हंग्री एंड थर्स्टी द होल मॉर्निंग एंड ऑल ही कुड फाइंड द बॉय वॉज अ पेयर ऑफ टंग शी स्कोल्ड हिम फॉर हिज फुलिशनेस। ये सारी सुबह भूखा प्यासा रहा और ये इसने चिमटा खरीद लिया। वो नाराज़ हुई और उसने उन्होंने डांटा उसकी बेवकूफ़ी पर उसे डांटा। हामिद को उन्होंने उसकी दादी ने उसकी बेवकूफ़ी पर डांटा। हामिद रिप्लाई इन इंजर्ड वाई टोन। हामिद ने गमगीन लहजे में जवाब दिया यू बर्न योर फिंगर्स एवरी डे ऑन द आयरन प्लेट। आपकी उंगलियां रोज़ाना जलती हैं तवे से दैट इज़ वाई आई बॉट देम तो मैं इसे क्यों ना ख़रीदता। द ओल्ड वुमेंस टेम्पर सडनली चेंज टू लव। उस बूढ़ी औरत का गुस्सा अब मोहब्बत में बदल गया। वट अ सेल्फलेस चाइल्ड कितना बेगर्ज बच्चा है। वट कंसर्न फॉर अदर दूसरों की कितनी फिक्र है। वट अ बिग हार्ट कितना बड़ा दिल है। हाउ ही मस्ट हैव सफर सीइंग द अदर बॉयज बाइंग टॉय एंड गबलिंग स्वीट्स इवन एट द फन फेयर ही थॉट ऑफ हिज ओल्ड ग्रैंडमदर। इसने दूसरे बच्चों को खिलौने खरीदते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना बर्दाश्त किया होगा मेले में और इसने अपनी दादी के बारे में सोचा ग्रैनी अमीनाज हार्ट टू फुल फॉर वर्ड्स। बूढ़ी दादी के का दिल जो था वो अल्फाजों से भर गया। अमीना ब्रेक्स डाउन एंड वीप। अमीना टूट फूट कर रोने लगी। इट इज़ स्ट्रेंजर ये अजीब बात है। हामिद छोटा लड़का हैज़ बिकम हामिद एक बड़ा हामिद बन गया। हैज़ बिकम हामिद द अडल्ट। अमीना टूट फूट कर रोने लगी कितनी अजीब बात है। हामिद छोटा लड़का बड़ा हामिद बन गया। नाउ अमीना द ओल्ड वूमेन हैज़ बिकम अमीना। अब अमीना बूढ़ी औरत छोटी बच्ची अमीना बन गई। टेयरफुल अनसीजलिंग फ्रॉम हर आइज एस शी ब्लेस हामिद 1000 times लिटिल हामिद हाउ कैन ही अंडरस्टैंड द स्ट्रॉम ऑफ इमोशंस इन अमीनाज हार्ट। आंसू बगैर रुके उसकी आंखों से गिरते रहे जैसे वो हामिद को हजारों बार दुआ देती रही हो। छोटा हामिद अमीना के दिली जज्बाती तूफान को नहीं समझ सकता था। कैसे समझ सकता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़।